हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग से। आज छुट्टी दिन छे, छुट्टी दिन मतलब काम, हम थोड़ा लेट उठनो, काम ले थोड़ा लेट लेट हो छे। बस केवल यू काम कर रहा है कि हर का बिन एक एक डक्कू परसों बजे आ रही हूँ मैं गढ़, फिर गुरु बिहार बाद बिन नवा धोए और घास हलबेन दून निकाल बिन आ रही हूँ। अब ना है वेल, वो बाद अब मैं नाश्ता तैयारी करूं। आप देखो कि तुम से मैं नाश्ता में आज की बनन वरी हूँ। आज मैं बनन वरी हूँ घरे प्याजो साग, वो बहुत पसंद ची हूँ। और ये बार प्याज गुणवत्ता बहुत है इशू रही हूँ। नान पुटका जास दान हो रहा प्याज, उसे यू प्याज जो है ना, यू प्याज तना हो तना अच्छो रे अच्छो है गया हमारे शहर में, अच्छो रे अच्छो मेरो पहाड़ों को दूध आंचल दूध ताम में बनो यू। और एम में मिलू बीन्स, प्याज और यू बीन्स। अब इन दो इनके में मिक्स सब्जी बनूल। प्याज टोटली ऑर्गेनिक छ हमारे घरों को छे यू, ये मैं हमारे घर गोबर है अल्लाह में, लेकिन एक जाला जो छ बहुत है नान ब्याने बार सब फूल गई थी तब वो वेले में जाड़ा बढ़िया ही नहीं इस हो रही हो। अब बनो एक साग, दकस हूँ एक साग। आज ये काट लिया है मैंने बारीक बारीक बीन्स और प्याज, अब मैं इसकी बनाती हूँ सब्जी। अब बनू मैं एक साग, बिल्कुल सूख के सब्जी बनूल। और कढ़ाई में होगी तेल गरम, पहले प्याज डालूंगी इसमें मैं। जब प्याज भुनी जाए वो बात फिर बीन्स भुनू, बिल्कुल बिना पैने वाले बनूल और ज्यादा मसाला ना आलू। ये है घर का प्याज, तो ये एकदम ब्राउन नहीं होगा, एकदम भूरा नहीं भुना जाएगा। फिर भी थोड़ी देर सिम में मैं इसको भूनती हूँ, जदूले भून सकी उदो भूनने कोशिश करूँ। के कारण हो कि घर प्याज कम भुनी न, और जो हम बाजार है खरीदनू वाले प्याज एकदम से भुनी जाए। अगर तुमसे पता छो पता या जो कुहू नाश्ता जय में बीन्स और प्याज है सब्जी कुहू फेवरेट, कुहू तेरी फेवरेट बनी आज। अब कर नाश्ता, नंतना ले खिलाया रही इनसे ले खिलाया, इन खाए ने गैन ड्यूटी अमर तो छे आज छुट्टी। और आज घर को काम जो टोटला करन पड़ी मैस वहाँ अभी फिर कपड़ चेंज करें खराब होगी था थोड़ा परसों निकाली। और गुरु प्यारा है भीतर बैठे तो एक छिट्टा मार दिया। और अब मैं धुल खान कपड़, इतना कुछ ज्यादा घाम लग रही ना आज बाप हो रोजे से लगन मेरे शायद छाल घाम दो मिनट ब्याह ठरेन में आफत है जन्म रहे। अब कपड़ धुल खान अब इन्हें कपड़ा घम्मा लन बोले डर लग रहा है कि लगे कपड़ा को कलर फेड हो जाए। मैं सोचने मरी हूँ कि थोड़ी देर में आलू मतलब या प्याल के हल दूँ इनसे हल भीतर कति छाया में हल दूँ। तो देखो आज दिन भर में क्या हूँ गतिविधि तुमसे से देखो ना कोशिश करो बनी रही है मेरे गठ ठीक जी। इन दी सुपुत्र और सुपुत्री क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या खेल रहा है वैभव? टाइम पास नहीं हो रहा इसका, स्नेक गेम है, स्नेक गेम। एक टाइम पास नहीं हो रही है, इंटर में पढ़ा और एक टाइम पास नहीं हो रही है, 7 तारीख आएंगे पेपर चल तो ये टाइम पास कर रहे हैं इतना चाहते हैं। ओए बहुत अच्छा गेम है यार, सब कलवा क्या गेम है कलवा भी है यहाँ पे, ये कलवा ये कपाड़ रख रखे मैंने दो बिन ये मैं ड्रायर ले कर रहा है। अब जैसे छाया आल तो फिर वो बाद में घाम मालूम कि लगे प्यार बहुत ज्यादा घाम हो रही हूँ कलर फेड हो जाके छाया में सुकून। अब बन गई मेरे दिनों खान, अब दिन का खाना खाते हैं यानी लंच करते हैं। दिन में नाश्ता कर लिया था, कपड़े वगैरह धो लिए थे, उसको सुखाने नहीं डाला है क्योंकि शाम को डालूंगी, दिन में बहुत ज्यादा धूप है तो कलर फेड हो जाता है। अब हम खानो दिनो खानो यानी लंच कर लो इंग्लिश में ज्यादा लंच को ना।
आज मैं लंच में बहुत है नॉर्मल खाना बना रहा है, मतलब मैं दाल पसंद नाती नंतन ले दाल कम है पसंद करना, तो तीन प्रकार की सब्जी बना रहे हैं आज हम साग दगड़ खोल तो हम खाने खाने फिर मिलने तुम्हारे दगड़। आज बना रहा है मैं घरा चालन को बात और आलू और लौकी की सब्जी, बैगन और आलू की सब्जी, को बीन्स वाली सब्जी है, खाएगी ना खाए आपको खल खान के करा चावल को बात से। अब हम खानो खान के बैबू, अब मैंने खा खान के भूख लगी गए खान खानो आप वो बात मिलने फिर तुम तगड़। खान खाया भाड़ धून भरी हूँ मैं बर्तन, धो रही हूँ खाना खाने के बाद, बर्तन भी इतने ज्यादा हो जाते हैं सुबह नाश्ते के अलग, दिन के खाने के अलग, बच्चे पानी पियेंगे तो सारी गिलासें बना देते हैं। तेर चौथे गिलास सिंक में ही आ जाना पानी पी गए दिन भर, हम फिर सब धोन भी बिल्कुल हमरो टाइम से नियुक्त हो ना, हम पानी पत्त ने पानी विभिन्न गिलास खा रखते हैं बचपन में ध्यान नहीं रहते या तो एक दो हाइजेनिक से बनती है, एक बार गिलास यूज करा दो बढ़िया फिर यूज नहीं कर तब तो इनारी इम्यूनिटी खत्म छ। सफाई हुन्छ लेकिन बहुत ज्यादा सफाई हुन्छ हाथ कुछ हमारे इम्यून पावर कमजोर करते हैं। अब मेरे को ना यू मतलब ना थी कि गंदगी में रो हम सब, लेकिन थोड़ा प्रकृति के नजदीक और अपने आबो हवा के पास भी रहना चाहिए और नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाइजेनिक लाइफ नहीं जीनी चाहिए, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी रिबेका ने लंच किया है, अभी वो रेस्ट करी, उसके पैर में आज लगी है, नेचर लवर है ना तो लग जाती है बेचारी की पत्थर उतारने क्या छुपाया है, नेचर लवर के साथ ऐसे हुआ रिबेका के साथ, तीन बार लग चुकी है, एक बार तो यहाँ पर पैर में, एक बार ये इस पैर में, आज इस पैर में लगी है तभी छुपा रही है। मैंने देखने की कोशिश करी तो रो रही थी और काट। ये है बर्तनों का पहाड़ जो धुल के तैयार है और गैस साफ कर दिया मैंने, मत कर हाथ मत लगा, और कॉटन ऐसे बिछा दिए हैं। छुट्टी होने वो इतना इतुक ज्यादा काम हो छे, इतुक ज्यादा काम हो कि बतू आ फुर्सत नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा फुर्सत अल्ले काम छे, अब जा मैं कहती और अल्लाह देखो का जा उठ गए छी बाबू गंगाल तक पौड़े गौरी ले पौड़े थे अब उठ गया। थोड़ा थोड़ा जो नीचे बैठे वो आगे बढ़ते बताओ बताओ संकोच मत करो,
कि वो कहते हैं क्या संदेश आया सुनाओ सुनाओ अवतारों में रामकृष्ण का अवतार है ये मनुष्यों के प्रेम करने के और जो इस प्रकार भगवान से प्रेम कर लेते हैं ब्रज की कोटियों के समान जो भगवान के प्रेमी बन जाते हैं उन्हें संसार चक्र में भ्रमित नहीं होना पड़ता घर से करती हूँ बच्चों से करती हूँ ऐसा ही प्रेम मैं और एक से करूँगी वो एक होगा आना वो एक होगा जिसे हम ईश्वर कहते हैं भगवान कहते हैं वो हमारा अपना है क्या भाषा सुंदर दादे के साथ और उसके चरणों में जब आपका प्रेम बन जाएगा ना भागवत कथा हमारे यहाँ जब हम वापस सुनेंगे और खरकवाल मैडम हमारे बाडन वैज्ञान प्रसाद मुझे भी क्षमा करेंगे भगवान की आरती होनी है मैं नवीन जी का पूरी टीम का और सारे प्रदेश के विभिन्न राज्यों से आए हैं इस दुर्गम यात्रा के बाद हमारे मेहमान साथियों का अपने मंदिर में किस दशिव देखे राह हमारी अपने मंदिर में किस दशिव देखे राह तुम्हारी ओ भोले बाबा पे ओ भोले बाबा पे आश्रम है मैं पूछ गई हूँ घर बाप रे इतनी ज्यादा बारिश हुई आज इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा पानी वड्डा की नालियां पूरी साफ मतलब इतनी ज्यादा गंदगी हुई रहती है नालियों में पूरी साफ हो गया पूरे रोड इस बना रहा ना चकम प्रकृति का अद्भुत तोहफा मिला है आज इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं और प्रकृति को अद्भुत तोहफा मिला है बारिश का बनन में आग लग रहा है वो पूछ गो शिव जीव जंतु विचार तड़पी रहा और आज भागवत चौथे दिन थे तो माता जी को अनुमान था कि जब चौथे दिन चौथा अध्याय चौथा मतलब दिन दिवस होता है तो उस दिन मेघ गरजते हैं मेघ बरसते हैं और खूब बारिश होती है भगवान कृष्ण आते हैं तो उस विचार बहुत है ज्यादा बारिश हो गए पूरे जाता है जलो थलो हो रहे तो एक आधगढ़ आज अब ब्लॉग में यही समाप्त करूं या तुमसे मेरे ब्लॉग निक लग से प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मैं तुम्हें रोज निक निक वीडियो देखू जल है जल लाइक करे ताकि मेरा हौसला बढ़ो थैंक यू अपलोड